तुमने बोली कुरान का छूटा था। जिब्रील बोलते हैं मरियम से, ये मरियम मैं तेरे रब का फरिश्ता था, आया हूँ तेरे पास किस लिए आया हूँ, लेकर हर तरह के गुलामन किया इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दे दूंगा। समझ में आई बात, अल्लाह अगर इजाजत दे दे तो कैरुला भी बेटा दे सकता। अल्लाह और जब दे सकता है तो हम मानता है नहीं सकते, ये सकता है तो मांग क्यों नहीं सकते। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर बेटा देने से किसी को अल्लाह के इलाह होने की बुनियाद हो तो कुरान की रोशनी में जिब्रील को इलाह मानना पड़ेगा, और जिब्रील का इलाह होना बातिल, इसलिए ये अकीदा बातिल कि अल्लाह की अता से किसी को बेटा देने वाला मानना उसको इलाह मानना है और मुशरिक हो जाना ये अकीदा। और आगे बढ़े क्या दूर से सुनना ये ऐसी चीज है कि अगर हमने अल्लाह की अता से किसी को दूर से सुनने वाला मान लिया तो उसको इलाह मान लिया और मुशरिक हो गए? नहीं, और हरगिज नहीं। न या रसूल अल्लाह कहने वाला मुश्रिक है, न या गौसल मदद कहने वाला मुश्रिक है, न या गरीब नवाज मदद कहने वाला मुश्रिक है। दूर से सुनने वाला जान लिया मुश्रिक हो गए? नहीं, और हर किस में। आओ कुरान पढ़ो, कुरान करीम 19वां पारा सूरह नमल आयत नंबर 18-19 अल्लाह रसूल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता, हत्ता इजा अतौ अला वादिन नमल कालत नमल या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु वजुनूदुहु वहुम ला यशकुरून। अल्लाह फरमा रहा है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर ये दोनों चींटियों के नाले पे पहुंचे, चींटियों के नाले पे पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, या अय्युहन नमल ऐ चींटियों उदखुलू मसाकिनकुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। काहे घुस जाओ? ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु वजुनूदुहु वहुम ला यशकुरून, कहीं ऐसा न हो के हजरत सुलेमान और उनका लश्कर इस हाल में तुम्हें कुचल डाले कि उनकी तवज्जुह न हो, शऊर न हो, कहीं इस हाल में कुचल न। क्योंकि कितनी मामूली मखलूक मगर कितनी अक्ल अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कि वो कबल अजबक अपनी पूरी कौम के सामने तकरीर कर रही चींटियों, चींटियों अपने अपने बिलों में घुस गया, चींटी है मगर कौम कहीं हिलाक न हो जाए इसकी फिक्र, चींटी जैसी कौम हिलाक न हो जाए इसकी फिक्र। हम तो इंसान हैं, हमारी कौम अगर हिलाक हो रही है हम अपनी कौम को मतनबेह न करें, खबरदार न करें। हिलाक होने से बचाने की तदबीर न बनाए,
तो चिमटी से भी बैठ गए। उसको अपनी कौम की फिक्र का चिमटियों घुस जाओ अपने दिलों में, कहीं ऐसा न हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर बेख्याली में तुमको कुचल जाए। और जरा सा चिमटी की समझ दे देखिए, चिमटी हो के भी ये जानती कि जो अल्लाह का नबी होता, अल्लाह के नबी के जो साथी होते, वो आदमियों की जान लेना तो बड़ी बात, चींटी की भी जान समझ कर जान नहीं ले सकता। अगर जान चाहेगी चींटियों की नबी और उसके लश्कर से, तो बेशूरी में जाएगी, बेख्याली में जाएगी, बेतवज्जोही में जाएगी। जान बूझ कर नबी और उनका साथी एक चींटी की भी जान नहीं ले सकता। मगर बड़े बड़े दानिशवरों आज की बात समझ में नहीं आ रही है कि जो नबियों का नबी है, रसूलों का इमाम है, वो नबी वो रसूल और उसके साथी एक तशद्दुद ज़्यादती से गुनाहों को मारने की कैसे चली है, नहीं समझ रहा। हमारे पैगंबर तो रहमतुल आलमीन, सारे नबियों के अंदर जो रहमत की सिफत थी उससे बहुत बढ़ के हमारे नबी को खुदा की सराफा रहमत किसी की जान लेने की ताली का। तो खैर, चिंती ने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिंती की बोली सुन ली, तो चिंती की बोली बहुत जोरदार होती है जब। अरे हम लोगों का हाल तो ये है कि चींटी की बात छोड़िए, बरसात के मौसम में किसी गुड़ की दुकान पे चले जाए, चींटी में चींटा उठा लीजिए बड़ा और उसको चुटकी में पकड़ लीजिए और सामने रख के नहीं कान में उसको खूब मसलिए, वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। सुन के बता सकेंगे कैसे रो रही, कैसे चिल्ला रही बता पाएंगे? इतनी खफीफ, इतनी नाजुक और इतनी हल्की आवाज आई है चींटी की कि साइंटिफिक तरक्की के इस दौर में थी जब सैकड़ों किलोमीटर के अंदर तक भूकंप की सूरत में जमीन को जो हरकत होती है उसको नापने के लिए भी साइंटिस्टों ने रिस्टर स्केल बना दिया। जलजला आया नहीं, स्केल ने बताया नहीं कि जलजले की भूकंप की तीव्रता इतना दशमलव इतना। मगर आज तक कोई मशीन चाइना के हकीमों ने साइंटिस्टों ने भी बनाई है जो चींटी की आवाज को रिकॉर्ड करके आपको सुना दे, कितनी हल्की आवाज होती, कितनी नाजुक आवाज होती। वो चींटी अपनी कौम से बोलती है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सुनते हैं और कान में ले जाके नहीं सुनते, कितनी दूरी से सुनते हैं, 8वीं सदी हिजरी के नामवर मुफस्सिर है अल्लामा हाफिज़ुद्दीन नक़वी अलैहिर्रहमा, मदारिकुत तंज़ील व हक़ायक़ुत तअवील उनकी तफ़सीर है, उसमें लिखा है कि फ़समिया सुलेमान सौता मिन सलासते अमियाल, हजरत सुलेमान ने उस चींटी की आवाज को 3 मील की दूरी से सुना। सुभानअल्लाह, 3 मील की दूरी से सुन लिया। पाक यहाँ केवल आवाज सुनने की नहीं है, उस चींटी की आवाज सुनने की है जितनी जिसकी आवाज इतनी नाजुक है कि उसकी आवाज एक आदमी कान में ले जाके भी नहीं सकता है। उस चींटी की आवाज को अल्लाह के नबी ने 3 मील की दूरी से सुन लिया। और खाली सुना नहीं, सुना तो रिएक्शन भी हुआ। हजरत सुलेमान के बारे में कुरान ने कहा कि चींटी जब बोली ना, हजरत सुलेमान सुने
علماء جب شرعاً محال تو قرآن کہتا ہے کہ یوسف بھی ارادہ کر لیتے زلیخا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. اللہ کو بچانا چاہتا ہے گناہ میں مدبت ہونے نہیں دیتا. اللہ قرآن کیا دکھایا, ڈھیر ساری روایتیں, ڈھیر سارے اقوال رب کی قرآن کے تعلق سے مفسرین نے ذکر کیا. انہی ڈھیر سارے اقوال میں ایک قول ہے خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا, ان کی تفسیر الدر المنثور منثور تعبیر دل معصور کہ کیا دیکھا انہوں نے, رہا اباہ یعقوب آتن علاج کمرے میں حضرت یوسف نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کمرے میں سات دروازے بند, حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنا انگوٹھا دانتوں تلے دبائے ہوئے اور حضرت یوسف کو روک رہے, خبردار تم حرکت نہ کرو. یہ اور نکل گیا. میں عرض کرنا چاہوں حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم سات دروازوں کے اندر بند ہے مصر میں اور حضرت یعقوب موجود ہے فلسطین میں, وہ فلسطین کے کنعان میں حضرت یوسف عزیز مصر کے محل ہے اور پندر پن کمروں کے اندر, لیکن اتنے فاصلے پہ حضرت یعقوب نے اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا. دور سے دیکھنے پر اگر اللہ کے الہ ہونے کی بنیاد ہو تو قرآن کی روشنی میں حضرت یوسف یعقوب کو الہ ماننا پڑے گا اور ان کا الہ ہونا باطل, اس لیے یہ عقیدہ باطل کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندوں کو دور سے دیکھنے والا ماننا, ان کو الہ ماننا ہے اور مشرک ہو جانا یہ عقیدہ باطل. اور آگے بڑھیں کیا اس ماننے کر حاضر ہونا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے پکڑ ہے, اس ماننے کر ناظر ہونا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نظر ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس ماننے کر اللہ کے محبوب کو حاضر ناظر مان لیا تو ان کو الہ مان لیا اور مشرک ہو گئے, نہیں اور ہرگز نہیں. آؤ قرآن پڑھو. قرآن کریم 19 پارا سورہ نمل آیت نمبر 38-39-40 اللہ کا نام. قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم دربار میں موجود, دربار میں موجود. یہ بات تب کی ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی ملکہ شہر سبا کی ملکہ بلقیس کو چٹھی لکھی تھی, اسے ایمان کی دعوت دی تھی اور بلقیس خود اور اپنے درباریوں کو وزرا کو لے کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑی تھی. اس بیچ کئی میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا, کئی میل کا فاصلہ رہ گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار تک پہنچنے میں. اسی بیچ حضرت سلیمان علیہ السلام درباریوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, یا ایھا الملأ ایھکم یغنی عرشھا قبل
दरबारियों, तुम में से कौन आदमी बिलकीस के तख्त को इससे पहले मेरे दरबार में ले आएगा कि वो फरमा बरदार होकर मेरे दरबार में आ जाए? उससे पहले कौन लाए? क्या लाने की बात की? बिलकीस का तख्त लाने की बात। और कहां दरबार लगा था हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का? शाम। बिलकीस का तख्त कहां था? यमन के शहर तबा। कितनी दूरी थी हजरत सुलेमान के दरबार और बिलकीस के तख्त के बीच? मुफस्सिरीन ने लिखा है 2400 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी थी? 2200 किलोमीटर। और कितना लंबा चौड़ा तक था? इमाम कुर्तुबी की तफसीर है, तफसीर कुर्तुबी के नाम से मशहूर है, उसमें लिखा है काना तूलो अर्शिहा समानी न देरा व अरबहु अरबी न देरा वह सलासू न देरा। वो तक कितना लंबा था? 80 देरा यानी 120 फीट। 120 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 45 फीट। और थर्मोकोल का बना हुआ नहीं था, इंतहाई कीमती लकड़ी का, और उस लकड़ी में हीरे जवाहरात करे तो कितना वजनी होगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबारियों को मुखातब करके कहते, इससे पहले के बिलकीस और उसके हुजर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, कौन वो तख्त ले आएगा? तो कुरान कहता है आला इब्रीतु मिन अल-जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक बड़ा सरकश किस्म का जिन बोला कि हुजूर मैं ले आऊंगा और इससे पहले ले आऊंगा कि आपका दरबार बर्खास्त हो, दरबार बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझको तो इससे भी जल्दी चाहिए। कहा तो फिर कुरान में आगे है قال الذي عنده علم من الكتاب, फिर उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म है, जिन में वो ताकत नहीं हो सकती जो किताब के आलिम में हो सकती है, अल्लाह की किताब उसमें जो ताकत हो सकती वो ताकत जिन में नहीं हो सकती। उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म है, अना आती कभी क़ब्ल अन यरसद इलैका तरफ। सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तो वो तख्त आपके सामने पलक झपकने से पहले ले आया, पलक झपकने से। आज गुमराह किया जाता है लोगों, हम लोग जो कहते हैं क्या कहना चाहिए, अल्लाह हम तुझी से मदद मांगे, तो वो तो कहता है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क। कहते हैं ना कि आपके बाप ने जो अमेरिका से मांगा ये भी शिर्क है, अगर नहीं असबाब के दायरे में रह के किसी से मदद मांगना शिर्क नहीं है, असबाब के दायरे से बाहर मांगो तब शिर्क। हमने कहा किया का नस्ताइन में तो कोई तफसील नहीं, हम तुझी से मदद तलब करें, चाहे अखबार के दायरे की अंदर की बात हो।
कि आप अपने कहां से तफसील ले आए हैं। अब उनसे पूछना, ये अल्लाह के नबी है, आप मुसलमान नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबारियों से सवाल कर रहे हैं उस तख्त को लाने का। 2400 किलोमीटर की दूरी पे तख्त, इतना लंबा चौड़ा तख्त है, और उसको लाने का सब यह बात के दायरे के अंदर की बात है या बाहर की, अंदर की बात की बात। एक आदमी कहा शाम से पहुंच जाएगा, यमन उठा के ला दिया, माचिस की दिल्ली आ गई, अखबार के दायरे से बाहर की। और अखबार के दायरे से बाहर का सवाल हजरत सुलेमान अपने सरबाजों के कर रहे हैं, कौन लाए। इनके कथा कथित और नाम लिहाज नतीजे के आधार पर तो कौन मुसलमान दुनिया में, न उम्मती कटेगा न नबी कटेगा, सब मुश्किल। आला हजरत ने ऐसी थोड़ी लिखा, इकमाल उपाम अला शिर्क सुत्तिया बैन अल-उमूर इल्हा, जो इन मजहबों का शिर्क है ना, इतना आम है, इतना आम है कि एक इन चीजों को जिस बुनियाद पर शिर्क कहते हैं उस बुनियाद पर न अल्लाह शिर्क की जद से बचता है, न अल्लाह के नबी बचते हैं, न उम्मत भी बचते हैं। मैं आज करना चाहूंगा सवाल किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उसने कहा जिसके पास किताब का युग था, वो पूछा नहीं कि हुजूर कहां पर तख्त रखा है, कितनी दूर से लाना, हुजूर पूछा 7-8 कमरों से बनता, लाख पर लाख पीपल नहीं, उसके लिए तो कोई अंग्रेजी भी नहीं बन जाता, 7 सालों में बनता पीपल तक जानते हैं, और आप लोग जानते हैं, और पीपल पीपल भी जानते हैं, मैं आज 8 सालों में बन। और जैसे ही कहा मैं पलक पकने से पहले ले आऊंगा, तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि तख्त मौजूद, उसी आग में हजरत सुलेमान ने उतने लंबे चौड़े तख्त को उतनी दूरी से आकर सामने आ जाना देखा, तो कहा ये मेरे रब का फजल है, ये मेरा इम्तिहान लेना चाहता है कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि नहीं करता। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये नबी का मौजदा भी नहीं, नबी के एक उम्मती की करामत कि शाम में बैठकर ऐसे हाजिर के चमन के तख्त पे पीछे उनकी, और ऐसे नादिर से कुछ पूछा भी कहा, यही मेरे देख रहे हैं कहां तख्त है, उठाया माजिर से भी दिया देते। अगर हाजिर नादिर होने पर अल्लाह के इलाह होने की बुनियाद हो, तो कुरान की रोशनी में हजरत सुलेमान के एक उम्मती अक्सर मुफस्सिरीन ने जिनका नाम आसिफ बिन फरफिया बताया है, उनका का इलाह होना लाजिम आएगा, और उनका इलाह होना बातिल, इसलिए ये अकीदा बातिल कि अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब को हादिर और नादिर मानना, उनको इलाह मानना है और मुशरिक हो जाना ये अकीदा बातिल। घंटा हो गया कि नहीं हो गया, बहुत हद तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो जो परिभाषा आज ध्यान कर रहे हैं लोग ठीक है, हम बताते हैं क्या बुनियाद है, और वो बताएंगे जो कुरान ने बताई है, उनकी तरह से हमारी बुनियाद मन खड़न खाना खाद नहीं है, जो बुनियाद अल्लाह ने बताई है वो गैब तो खुदा जानता, खुदा की अता से मुस्तफा आलम के हुक्मरान खुदा करता, खुदा की अता से मुस्तफा करते, बीमारों को शिफा खुदा देता,
खुदा की अदालत में मुस्तफा देते, मुर्दों को जिंदा खुदा करता है, खुदा की अदालत में मुस्तफा करते, खुदा सही तो वसील है, उसी की अदालत में उसके महबूब हाजिर और नाज़िर, खुदा का दिल खुशा है हाजत रवा, उसी की अदालत में उसके महबूब की हाजत रवा। सुभान अल्लाह। तो इन चीजों पर बुनियाद तो नहीं है अल्लाह के अलावा, तो आखिर क्या बुनियाद? किस बुनियाद पर एक बंदा बंदा रहता है, खुदा नहीं होता वो बुनियाद? ये सब बुनियाद नहीं है जो बहका रहे हैं। सुनो बुनियाद, ये बुनियाद हमारी कढ़ी हुई नहीं है, कुरान की बताई है। मेरे नबी से मक्के के लोगों ने, मदीना के लोगों ने, सहाबा ने पूछा, अल्लाह का तारुफ का किस चीज का बना है, कैसा है? कुरान की आयत उतरी, कुल हुवल्लाहु अहद, ये मेरे महबूब आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह है तो उसका सही परिचय क्या है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं अल्लाह का? अल्लाहु समद, अल्लाह वो है जो सब के लिए आज है, किसी का मौका अल्लाह है कौन जो सबसे देने आज है, किसी का मुकरा नहीं। गैब जानने पर उलूहियत की बुनियाद नहीं है, देखा देने पर उलूहियत की बुनियाद नहीं है, आलम पर हुक्मरानी करने पर इलाह होने की बुनियाद नहीं है, हाजिर नाजिर होने पर इलाह होने की बुनियाद नहीं है, मुश्किल कुशाई हाजत रवाई करने पर इलाह होने की बुनियाद नहीं है, दूर से सोचने और सुनने की बुनियाद पर इला उलूहियत की बुनियाद नहीं है। इस पर बुनियाद दे दी जाती है। जब ये समझ गए तो आप मुझे कहने दो, बेशक गैब का खुदा भी है और गैब का उसकी अता से मुस्तफा भी है, लेकिन खुदा की अता से मुस्तफा को गैब का मानना शिर्क नहीं है, और इसलिए नहीं है कि खुदा अपनी गैब दानी में देने आए है, किसी का मोहताज नहीं है, मुस्तफा अपनी गैब दानी में खुदा के मोहताज है। वो देने आज ये उसके मोहताज, अरे नादान जब शिरकत नहीं तो शिरक है, जब शिरकत नहीं है तो शिरक कैसा है? आलम का हुक्मरान खुदा भी, अल्लाह की अता से मुस्तफा भी, लेकिन खुदा अपनी हुक्मरानी में बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन मुस्तफा अपनी हुक्मरानी में हर आम खुदा के मोहताज है, उससे बेनियाज नहीं, वो बेनियाज ये उसके मोहताज, जब शिरकत नहीं तो शिरक है। बेशक खुदा देखा देखा है, खुदा की अता से मुस्तफा देखा देखे, लेकिन खुदा किसी को देता देने में किसी का मोहताज नहीं है, सबसे देने आज है, और मुस्तफा या अल्लाह के महबूब बंदे से देता देने में अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह का देने आज वो देने आज ये मोहताज, शिरकत नहीं तो शिरक है। शहीद वसील अल्लाह भी, और नाज़िर रसूल अल्लाह भी, लेकिन अल्लाह अपनी शहीदी और वसीली में बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, और मुस्तफा अपने हाजिर और नाज़िर होने में हर आम खुदा के मोहताज है, तो बेनियाज ये उसके मोहताज, शिरकत नहीं तो शिरक है। अकीदा समझाने के लिए नबी को मोहताज कह रहा हूँ, अब न दुआ को दुआ का नहीं, अल्लाह का याद रखना,
अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया जहान से बेनियाज बनाया। दुनिया जहान में सबको जरूरत है मेरे नबी की, लेकिन मेरे नबी को इनमें से किसी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो मोहताज के लक्ष्य से धोखा न खाना। अगर मैं अपने नबी को मोहताज करूँ फटक खुदा कर, ये हमारा अधिकार। जो ना माने वो हमारी जमात, वो किसी के मोहताज नहीं कर खुदा के मोहताज। तो बेशक मुश्किल कुशाई खुदा करता, हाजत रवाई खुदा करता है, लेकिन उसी की अता से मुश्किल कुशाई मुस्तफा भी करते हैं, हाजत रवाई खुदा मुस्तफा भी करते हैं। दाखिल सला वल वबा वल तख्त वल अलम लखब है कि नहीं है। इसी को साबित करने के लिए तो हमारे आला हजरत ने पूरी किताबें लिखी। अल अमन वल उला ये नाबिल मुस्तफा ये दाखिल है। मैं अर्ज करना चाहूंगा मुश्किल कुशा यकीनन खुदा, यकीनन हाजत रवा खुदा है, मगर उसी की अता से मुश्किल कुशा मुस्तफा भी है, हाजत रवा मुस्तफा भी है। लेकिन खुदा अपनी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई में बेमिलाद है, और मुस्तफा अपनी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई में बेमियाद नहीं। अल्लाह के मोहताज वो बेमियाद, ये उसके मोहताज, शिरकत नहीं तो शिरक है। समझ में आई बात की नहीं आई? अब धोखा मत खाइएगा धोखा देने वाले। किसे कहते हैं अल्लाह जाती अताई का इनको करते नहीं मान। अकल होती तो मालूम होता, मगर अकल आए कैसे? खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात, यानी मतलब आला हजरत जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस यकीन के साथ तौफीक अता फरमाए कि हमारे अहले सुन्नत के अकादे हमारे आला हजरत ने हमको जो अकीदा दिया है, हमको जो नजरिया दिया है, इस अकीदे और नजरिए की इमारत रेत की बुनियादों पे नहीं, कुरान और सुन्नत की ठोस बुनियादों पे खड़ी है। इस यकीन के साथ हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक जिंदा रखे, कायम रखे, तूफान अश्क लाने से ये चश्म फायदा, दो बोल भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। नेमतें बांटता जिस सब वो दिशा गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम बांध गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल हो तो खुदर सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। रात रात कुरान सुन्नत के आईने में एक इल्मी गुफ्तगू आ गई। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब कबीला इलाहाबाद से समाप्त कर रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग खड़े हैं बस आप लोग आपकी जो जगह खाली है फूल कर लीजिए, और जो लोग मंदिर में बैठे होगा पुस्तक सिखाइए, जो जगह खाली उसको आप कर लीजिए। याद आ गई कथाएं कथाकार वो पड़ा पड़ा, याद आ गई कथाएं कथाकार वो पड़ा पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार वो पड़ा। पहले अदब से रोजे की जानी पढ़ाए हाथ हाथ, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार वो पड़ा। रात रात आप देख रहे हैं कि जनाब सोहराबुद्दीन सोहरा कादरी साहब साहब
आपकी नजरों के सामने है और यकीनन वो तशरीफ लाने वाले हैं। इससे जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग आके बैठे, कितने लोग सुनना चाहते हैं? आ जाइए भाई, आ जाइए, माशाल्लाह आइए। जो लोग बैठे हैं बहुत अच्छे तक आइए, आप लोग लोगों को खुद कर दीजिए, माशाल्लाह। अब मैं मिला था जो तफसील से आज के दरबारे मस्जिद में सुन रहा हूँ, शायर हिंदुस्तान खान वाजिब शाह हुदा जनाब सोहराब पादरी को आपके हवाले कर रहा हूँ, आप उनके सामने और ये आपके सामने, बस ये मिसरे सुन लीजिए कि सामने वो आपका दरबार उठते बैठे कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के अगर जरूरत हो तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह, बोले नवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, सामने हो आपका दरबार उठते बैठे और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठे। आ जाइए भाई, आ जाइए, खड़े आ जाइए, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते और ऐ तबीबो आओ तुम भी मांग लो पहले शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। मैं बड़ी रबड़ी में लाइट से रह चला हूँ, पांच पांच आने आता है मौसम से बैठ गया सदर बाबा का नदी रहने से बैठे चलता कारी रियाज मान कारी हारी जाओ रहमान साहब के अली इमाम साहब तारीफ साहब जनाब मौलाना फरुल्ला साहब मेरी माँ बहन कैमरा मान से 1,76,000 ये जो बच्चे टहल रहे हो 1,00,000 जो मेले में है 2,00,000 रुपए 50,000 कुर्सी पर माशाल्लाह 50,000 राम देखेंगे बच्चे आपके यहाँ डर हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ या हो कहते हैं खड़े हो जाइए अब करीब आ जाइए। बहुत बड़े लोग हैं आप लोग, शहर के लोग हैं, पूरी दुनिया इस दृश्य को देख रहा है, सुन रहा है साहब, नेट के जरिए कहने लाइक के लाइक के ये आशिक रसूल की पहचान है कि कोई लंदन है कोई अमेरिका या मदीना शरीफ जाना चाहते हो तो करीब आ जाइए। मैं भी बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कैमरा वाले भाई हम आज की आला हजरत नॉट रिकॉर्डिंग प्लीज बैठे गए, मैं आपका पैर पकड़ता तो हाँ तो मिला लगा हमें सोचे तो रानी है कि बहुत संगीता मिजाज बन गया अदब बल हो पर कुछ शेर पढ़ा लेकिन हरम के पास पानी की मर्दों से नहीं होगी निगाह दिया है मोबाइल बच्चों को सर पे टोपी है बोले सुने लेके मोबाइल क्या था बोलो कहीं लेके भाई क्या तमाशा है ये ये कौन लोग बैठे मालूम है इनके चेहरे की ज्यादा तौर जन्नत मिल जाएगी क्या हुआ कहाँ गए सरकार साहब को मेरा साहब जिंदा अली इमाम साहब जिंदा तारिक साहब इज्जत इमाम जनाब खलीफा साहब जिंदा अल्लाह आपको सलामत रखे हाजी नवाजी बना दो सब दर्ज किया मैं आपका पैर पकड़ता हूँ साहब अगर अगली बार जिंदगी रही जलसा हो तो पर्दा हाइल कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी माँ बहनों को न देख इस्लाम में पर्दा आया आ जाओ भैया थोड़ा सा ताकि मैं कुछ शेर सुना सके तो हम लोग से बैठ जाएगा भैया डा नाम आज का भी पैर में बैठ जाएगा कहाँ बैठ जा रहा है मेरा कहाँ है तारीख माँ अली माँ मामू तो कहाँ गए समझ नहीं आ रहा बैठ आ रहा आपको यही रहिए झूमे तो मेरे पास पढ़िए अल्लाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बोलावा पढ़ा हुई पर कुछ 36 वर्ष का बाद बात 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 बात
सुन रहे थे खुदा के कसम, अब ये कैसे की तरह देख रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, अल्लाह पाक अल्लाह साहब के आपके तरफ से मैं चुपका हूँ, आप बुजुर्ग हैं खुदा की कसम, आप खड़े हो जाए अपनी जबान के ऊपर कुछ कहने ताकि करीब आए, आप माशाल्लाह खड़े हो जाए, आप अगर खड़े हो जाए माशाल्लाह, अल्लाह को बरकत अता फरमाए, नारे तकबीर, नारे कुरान, उलमा अहले सुन्नत, आप लोग आगे के बैठ जाए, आज से आइए आप लोग बैठ जाइए, बहुत मेहनत के मिले आप आइए आप इससे क्या होगा, सिंपल से जी पास सामान प्लेट में कैसे मैं फेल हो गया, झूठ बोलते हैं हमारे अल्लाह साहब को चाहिए लोग, ये झूठ बोलते हैं फेल हो गए लोग, कलम लो कलम, इनके हाथों में देखो क्या है, पर और हाथ मिला लो यार, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बात है साहब, मैंने कहा ना कि प्रोग्राम को पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह पाक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुए बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आई एम ग्रेट टू सी इंडिया में दो श्री क्या कहा, बिन मांगे मोती मिले माफी मिले नौकरी, अगर देना चाहते तो मुझे मत को याद, मैं तो वक्त बात से मांगता हूँ, मैं तो शहंशाह बगदाद से मानता हूँ, शहंशाह बाली के पास से मानता हूँ, शहंशाह सागर पास से मानता हूँ, अगर आपको देना है खुदा की कसम तो रसूल पाक के पास की और ये जितना कहा था अल्लामा फज़ल साहब जितना ये 10 लाख का मजमा सब पे से जितना आपकी का जल्दी नीचे आ जाए, जितने लड़के खबर है मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, आ जाओ यार किसान फसल भर करो, मेला वाले भी आ जाए, आज आपको इतना मिलेगा कि जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा, मैं हम लोग पत्रकारों की तरफ करते हैं भाई, इस तक बात करते हैं, ये न्यूज वाले हैं तहजीब से शुक्रिया अदा करते हैं, बकारे अगस्तनी याद रसूल अल्लाह का परेशानम परेशानम अगस्तनी याद या अल्लाह शाह देखा के काफी कुल तबीबा सारा काफी कुल मरीज से दर्द ये सिया नम अगस्तनी याद दर्द ये मुझसे डर रहा है, ये भी बात ना ये जी माशाल्लाह अगर से या रसूल अल्लाह इलाही खैर घरदानी कितना बार सब को लिखो और जिंदगी भर इलाही इलाही खैर घरदानी जरूर बन जाए मेरा बटन नहीं टूटेगा, इज्जत जैसे सभी दिन ली शरीफ लेता हूँ, जब अल्लामा फजलुल्लाह साहब कहते हैं तुम आज नहीं करते हो तो खुदा की कसम हम घर के पास दस तक टूटते हैं शेर उठा डालते हैं, माँ बाप ने कह दीजिए तुम बहुत अच्छा इलाही खैर घरदानी बहुत के खाए है यही जानी इलाही खैर घरदानी बहुत के खाए है यही जानी इलाही खैर घरदानी बहुत के खाए है शर्म नानी इलाही आप मुवत खुशी जो माफी चला दे किस तियारा रोशनाई सरबरा शाह करीमा सरतगीरा अशरफा खुर्मते रुखे पयंबर जन नजर तुम सोए बाँ शाह زمانے مدد نما درہائے ہر ترازے کنیزے کرم کشا اشرف شرف نہنگ دریا کیا دریا بسی ندارت دشمن ہمیشہ تو غم وزد تو دوستار معذر مباہل سنر کی موجودگی ہے ان کے قدموں کو سنتا ہوں مزلہ کرنا عطا ہو گئی عطا ہو میں نے وقت اس لیے لیا ہے کہ ہم کو ایسے میں یہ کسی سنا ہوگا यहाँ से बोलो हीट हो गया, अरे हीट क्योंकि खराब हो गया, मैं तय पकड़ता हूँ अल्लाह अल्लाह साहब बिल्ला मैं इंतजार कर रही हूँ लेकिन हालात कैसे कर दिए
बाहर निकल अच्छा बड़े मुश्किल से चलते हो पैसा, इसके पैसा कलेक्शन किया जाता है। अब सुनिए जिसको देना है खुदा की कसम, आज दिन का मदरसे के लिए कौन सी वाला है मदरसा पढ़ने जा रहा हूँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ एक बताओ कैसा नामा खरीद जाता है, 40,000 45,000 50,000 अकाउंट में डालो आऊंगा। ये शायद के बाद में कहो याद रखना होगा, दुनिया का कोई भी शायद आपका वाइस चैनल और आप खाली उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करके सुनाएगा, ये मेरा ईमान है। मैं अपनी आवाज में पाऊंगा, अभी अगला पढ़ता हूँ। मेरा साहब कहाँ गए तारीफ मानो, ये तो मेरे पति है कहाँ चले गए। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी माशाल्लाह, क्या कहते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कोई उसका बैठक नहीं करेगा, मैं पैर पकाता हूँ आप लोगों का, सुने बोला, पहले तो कुछ भी नहीं, उस टाइम बोली इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं।
भेज दीजिए यार, मेरी माँ बहने आई है, माँ बहनों अल्लाह आपको सलामत रखे,
صاحب اولاد کر کے آگے نمازی بنا کے بس کچھ دے دیتے مدرسے کے لیے. میں دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. a
मैं पागल रात में यार जिप जाओ अच्छा टिकट रखने कोई भी रिश्ता न था तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया कुछ दिन का काम होता है अब आप बॉस देखते सामान को बस्ती बस्ती खबर नहीं ये महान बहुत अल्लाह है अगर दस दस रुपये देखे चले जाते
तमाशा तो देखो ये देखिए
इन
भाइयों को सुनना मौला को कबूल करें। हम तौबा करते हैं अल्लाह की सन्नत को तौबा बोला कर मौला अस्तगफिरुल्लाह व अस्तगफिरुल्लाह की तौबा है शर्मा से या वशी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह आपके जो दिया है दिया है उतना लिया है सो दैट इट अब कह जाएगा। हाँ हाँ पहले पढ़ो तो मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ साहब शायरी आज जितने सही साहब होता है जैसे दस लोग आ जाए तो काम हो जाए कोई माले का नहीं करेगा। मैं ऐसा कहा हूँ माँ पिता पापा को लाल की बदला में कहता हूँ कि खुदा के तरफ वेरी इंपॉर्टेंट करता हूँ
अल्लामा खंदा साहब ने कहा पागल जो पागल है तो उपाय दूसरे का इस लिए बहुत बड़ा है कि नबी की नाम पढ़ रहा है तो सुभान अल्लाह अभी आपके सामने एक अजीम खतीब एक अच्छी खिताबत होने वाली है खतीब एशिया कौन से चैनल पे डालना है वीडियो डालेंगे क्या नाम है इनका 22 मार्च रात को जिसमें लक्ष्मी गुरुकुंड जिला महाराज का जन्मदिन किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि बढ़िया।